वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में और आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय योग अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो भी रिसर्च करता हूं या वो फॉर्मूले जो वाकई सब पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूं। आज ऐसे ही एक नहीं दो दो तरीके आपके पास आपके साथ शेयर करूंगा जिनको जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है ऑप्टिक नर्व ड्राई होने की वजह से, आंखों की नस सूखने की वजह से। ये वीडियो मैंने पहले भी डाला था लेकिन उसमें एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले में कुछ लोगों को, कुछ बड़े शहर के लोगों को एक दिक्कत आई थी कि उनको देसी गाय का घी नहीं मिल रहा था और किसी ने मुझे फोन करके ये भी बताया जब वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचा कि अगर देसी गाय का घी नहीं है तो दूसरा ये तरीका है। तो मैंने तीन लोगों को बताया उनकी आंख, उनमें से एक की तो आंख की रोशनी जारी थी, शुगर जो है ना शुगर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी मध्यम होती जा रही थी। तो तीन लोगों का फीडबैक मुझे जब आया कि एक से डेढ़ महीने के अंदर 30% का फर्क आया उनको और वाकई वो बड़ा कमाल का अनुभव था और वो उसकी वजह से मैं अब ये सोच रहा था कि अब मुझे ये सबके साथ शेयर कर देनी चाहिए कि जिसके पास वो फार्मूला नहीं है तो वो ये फार्मूला इस्तेमाल करें। जिन्होंने वो फार्मूला अभी तक नहीं पता है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। पहले फटाफट से जान लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है। देखिए तरीका क्या है, क्लैपिंग थेरेपी आपने सबने सुनी होगी लेकिन उसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से उस क्लैपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे की जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, जब भी क्लैपिंग थेरेपी करते हैं हम सोचते हैं बस ताली बजाना है दैट्स इट, नहीं, उसका एक तरीका है, बेस्ट तरीका है जिससे ये वाकई आंखों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। हालांकि शरीर के दूसरे अंग भी स्टिमुलेट होते हैं इससे, लेकिन क्या करना है जब भी आपको क्लैपिंग करनी है तो आपको इस तरीके से अपने कंधों को चौड़ा करना है, खोलना है। ठीक है, उनमें से एक को तो बेचारे को दिक्कत थी कि वो कंधा चौड़ा कर नहीं पाते थे क्योंकि गर्दन और कंधे में बड़ी तकलीफ थी उनकी, स्टिफनेस बहुत ज्यादा थी। हमने बैठा लो, आप सबको मालूम ही है कि मेरा काम है जोड़ों के दर्दों को ठीक करने का, खासकर घुटनों को। तो हमने ना बैटल ऑयल का इस्तेमाल करवाया उनको, मैं कहता हूं पहले दूसरे दिन के बाद स्टिफनेस चली गई। और वो सही तरीका क्या था अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या करना है, सबसे पहले घी ले लेना थोड़ा सा। अब इसमें कोई इशू नहीं है, गाय का घी हो, भैंस का हो, बकरी का हो, जिसका मर्जी हो, चाहे बाजार से ले आओ, थोड़ा सा घी लेना, बिल्कुल मामूली सा घी। ठीक है, और थोड़े से घी को आपने अपने हाथ पे लगा के और इस तरीके से आपने ऐसे लगा के और फिर क्लैपिंग करनी है, कितनी बार, 100 बार। और खासकर अगर आप थोड़ी सुबह की हल्की धूप में बैठ के करेंगे बहुत ज्यादा अच्छा असर आएगा। और जब भी क्लैपिंग करनी है तो ये वाला एरिया जो है, ये इस पोर्शन पे आपकी ये क्लैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, मैं 10 बार करके दिखाऊंगा, आप कम से कम 100 बार, इसको 150 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, कंधा ठीक हो जाएगा आपका, गर्दन स्टिफनेस ये सब चीजें मैं कहता हूं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत स्टिफनेस हो, बैटल ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बहुत जल्दी असर आएगा। और इस तरीके से आपने इसको ये इस तरीके से करना है। ठीक है, बड़ा आसान काम। और दूसरा तरीका फटाफट से बताता हूं, जो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मिस्टर कमल चिमनानी, उन्होंने ये फार्मूला मुझे दिया था कि वहां पे गुजरात भावनगर में एक टेलर मास्टर की निगाह जो है चली गई थी ऑप्टिक नर्व सूखने की वजह से और उन्होंने कुछ एक महीना इसका इस्तेमाल किया था और उसके बाद मेरे ख्याल में 40-50% उनको आराम आ गया था। कुछ महीने और करने के बाद उनकी आंखों की रोशनी दोबारा वापस आ गई। हमने जब ये फार्मूला सबको बताया तो बहुत से लोगों की फीडबैक आई कि वाकई हमें फर्क आया है, आंखों की जो नस है वो गुलाबी होनी शुरू हो गई है, यानी कि आंखों की रोशनी वापस आनी शुरू हो गई है। तो क्या करना है, 50 ग्राम देसी गाय का घी, देसी गाय का घी मतलब दूध लेके आना है देसी गाय का और अपने घर में घी निकालना है, किसी भी तरीके से घी निकाल के 50 ग्राम देसी गाय का घी, 25 ग्राम आपने लेना है नारियल का तेल, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके आप कांच के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और रात को सोते समय 2-3 बूंद आपने नाभि में डालनी है। ठीक है, और नाभि में डाल के 5 मिनट तक लेटे रहना है, उसके बाद जितना तेल बच जाए उसको नाभि के आसपास लगा के सो जाना है। सुबह उठ के नाभि को धोना जरूर है, वॉश जरूर करना है नहाते वक्त, ये हर रोज ख्याल रखना है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अगर आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा हो रहा है, अपने आई स्पेशलिस्ट से मदद जरूर लीजिए। जो मेडिसिन चल रही है बिल्कुल साथ में चलाई रखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, उसको बंद नहीं करना हमने, लेकिन इस अल्टरनेटिव थेरेपी का भी इस्तेमाल जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका नुकसान कोई नहीं है। राइट, और अगर देखिए वीडियो अच्छा लगे या ना लगे लेकिन इस बार आपने शेयर जरूर करना है।
ताकि हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी नस सूख जाती है और आंखों की रोशनी जानी शुरू हो जाती है, उसका इलाज भी कोई नहीं है जब नस सूख जाती है। कभी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो परेशानी में आ जाता है और बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचिए एक मिनट के लिए आंख बंद करके आप अगर ऐसे चल के देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है आंखों की, राइट। तो इसलिए शेयर जरूर करना है, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। पता नहीं कब किस ग्रुप में कौन आदमी कहां बैठा है जिसके साथ ये दोनों चीजें शेयर हो जाएं और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, राइट। तो शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।